जादू रानी स्नो वाइट को ढूंढ लेती है और वो ला 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 ला। तुम बेसुरी हो? हाँ, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, समझी? ध्यान से सुनो, देखो। ला ला ला। भागो, ये बेसुरी फिर से गाने वाली है, जल्दी अपनी जान बचाओ। क्या मजाक है, खुद तो जैसे यार रहमान है ना। भाड़ में जाओ सब। बेटा, अब कौन आ गया? हाँ जी दादी जी, क्या चाहिए आपको? मैंने तुम्हें गाते हुए सुना, तुम बहुत अच्छा गाती हो। क्या सच? वैसे मुझे शौक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैं अच्छा गाती हूँ। क्या आप एक गाना सुनेंगी? मैंने अभी लिखा है, अभी के अभी। बेटा, अरे बेटा रुक जाओ, मुझे अभी काम है। मैं तुम्हारे लिए एक सेब लाई थी, इसे खा लेना बस। अरे रुकिए रुकिए, कमाल है, और इनको मुझे देने के लिए बस सेब ही मिला। अजीब बुढ़िया। स्नो व्हाइट सेब को पीछे फेंक देती है। सेब लुढ़कते हुए एक हिरन के सामने जाता है। हिरनी उसे खा लेती है, लेकिन जैसे ही उसे खाती है वो बेहोश हो जाती है। तभी एक बेहद सुंदर राजकुमार हिरनी के पास आता है और उसे किस करता है। उसकी किस से हिरनी को होश आ जाता है और वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं, और इस तरह हमारी कहानी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। रुको रुको रुको, पर मेरा क्या?